नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। बुलंदशहर एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से हवा हुई जहरीली, लोगों की सांसों में घुल रहा जहर। एनसीआर में चारों तरफ आसमान में छाई धुंध से कोहरे जैसे हालात। बुजुर्गों और बच्चों को जहरीली हवा होने से हो सकती है बड़ी परेशानी। प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई कोई समुचित उपाय। बुलंदशहर एनसीआर की हवा लगातार दिन प्रतिदिन होती जा रही है जहरीली। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के द्वारा भी नहीं किया जा रहा पानी का छिड़काव। बुलंदशहर एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम होने का नहीं ले रहा नाम। देखिए बुलंदशहर से संजय कुमार गौतम की रिपोर्ट। नाम है करणवीर है। अच्छा करण, क्या काम करते हो? पौधे बेचते हैं जी। अच्छा, ये जो धुंध छा रही है इससे किस तरह की परेशानी है? आँखों में परेशानी है, जलन हो रही है। और किस तरह की दिक्कत आ रही है? जैसे दिक्कत बहुत आ रही है, काफी आ रही है, और ठंड इतनी ना काफ़ी बुकसेट में चल रहा है सेट में। तो ये पोल्यूशन की वजह से? हाँ, पोल्यूशन की वजह से बहुत परेशानी आ रही है। मोटरसाइकिल गिर पड़ी, दिखूँ ना यार। तो आँखों में ज़्यादा जलन हो रही है? इससे आँखों में ज़्यादा जलन हो रही है, कड़वापन ज़्यादा है। तो सांस लेने में सांस में दिक्कत हो रही है लेने में। तो बुजुर्गों को और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है? ज़्यादा परेशानी है बुजुर्गों बच्चों को। क्या नाम है भैया? हरज्ञान सिंह। क्या काम करते हो? फेरी का काम करते हैं। अच्छा, ये डाटा क्यों मार रखा है? डाटा मार रखा है इसलिए आँखों में जलन भी है थोड़ी सी, सांस लेने में परेशानी भी आ रही है। तो जिस तरह से ये धुंध छा रही है, तो धुंध क्या लगता है तुम्हें? धुंध ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही हो आँखन में, और इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा बिल्कुल चलते में। बहुत ज़्यादा प्रदूषण का सा मामला लग रहा है हमें, जलन हो रही है आँखों में, प्रदूषण डेली बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है? परेशानी होती है चलने में, निकलने में घर से परेशानी है हमें, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो आँखों को दिन में पानी से भी धोते होंगे आप लोग? आँखों में जलन होती है, पानी सा निकलता है आँखों में से चलते टाइम। तो परेशानी है? परेशानी बहुत ज़्यादा है, निकलने में सुबह काम करना पड़ता है, जाना तो पड़ता ही है, क्या करें, मजबूरी है पेट के लिए तो करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।